हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रवि फटजप्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देव ऑटो सेंटर। दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आज हम जो टॉपिक लाए हैं, हमारे पास है हीरो होंडा ग्लैमर बाइक और इसमें हम आपको दिखाएंगे इसके एयर फिल्टर की क्लीनिंग की, कैसे इसके एयर फिल्टर को क्लीन और वॉश किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस बाइक के एयर फिल्टर का कवर है। इसे खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की हमें सहायता लेनी होगी, क्योंकि इसमें स्क्रू पैंच दिए गए हैं। स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके सभी पैंचों को हमें खोलना होता है। ये देखिए दोस्तों, इसके सभी पैंच खुल चुके हैं। इसके बाद इसके एयर फिल्टर के कवर को हम हटाएंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके एयर फिल्टर का कवर है। देखिए कितनी डस्ट इसमें अंदर की साइड जमी हुई है। डस्ट को हमें क्लीन करना होगा और ये इसके एयर फिल्टर को हम यहाँ से पकड़कर बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, एयर फिल्टर अब बाहर निकल चुका है। इसके बाद इसकी क्लीनिंग करने के लिए टूल की सहायता से हमें इसकी क्लीनिंग करनी होगी और इसके एयर फिल्टर को हमें साफ करना होगा बिना टूल के, क्योंकि ये गत्ते का एयर फिल्टर है दोस्तों, फ्यूल में ख़राब हो सकता है। इसे क्लीन करने के लिए हम ऐसे करके यहाँ पर देखें कितनी डस्ट इसमें से बाहर निकल रही है। इसकी डस्ट को हमें काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन करना होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं तो इस पर कंप्रेसर की हवा भी लगवा सकते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से एयर फिल्टर की क्लीनिंग हो सकती है। ये देखिए, ये अब काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद टूल की सहायता से हमें इसके बॉक्स के अंदर की साइड से सफाई करनी होती है। देखिए, बॉक्स की सफाई हम ब्रश की सहायता से और टूल की सहायता से करेंगे। इसके बाद थोड़ा फ्यूल हम इसके एयर फिल्टर के बॉक्स में डालेंगे और इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से हम क्लीनिंग करेंगे। देखिए कितनी डस्ट इसके अंदर से बाहर निकल रही है। इसके बाद कपड़े की सहायता से हम इसके अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से सफाई करनी होती है। ये देखिए दोस्तों, एयर फिल्टर का जो बॉक्स है वो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद इसके कवर को हमें क्लीन करना होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इसका जाली वाला फिल्टर है। इसे हमें फ्यूल की सहायता से क्लीन करना होता है और ब्रश की सहायता से इसे हम काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके बाद एयर फिल्टर के कवर की हमें सफाई करनी होगी। इसके बाद टूल की सहायता से हम इसे काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, एयर फिल्टर की जो क्लीनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद इसकी फिटिंग हम आपको करके दिखाते हैं।
एयर फिल्टर की फिटिंग करने के लिए। ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसका जाली वाला फिल्टर है। जाली वाले फिल्टर में हमें एयर फिल्टर को अंदर की साइड लगाना होता है। ये देखिए इसे हमने यहाँ पर लगाया है। इसके बाद ये जो आप कटआउट देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसे लगाने के लिए खांचा दिया गया है। इस खांचे में इस कटआउट की हमें फिटिंग करनी होती है। इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। आगे का हिस्सा हमें यहाँ पर फिट करना होगा। ये देखिए यहाँ पर लग चुका है। और इसके पीछे की साइड यहाँ पर देखिए जो फिटिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हैं ये इसके ऊपर की साइड का बॉक्स है। इसकी हमें फिटिंग करनी होती है। ये खांचा हमें इसके सॉकेट में फिट करना होगा। ये देखिए इसे हम ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लग चुका है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एयर फिल्टर के पैच दिए गए हैं। इन्हें हम लगाएंगे और स्क्रू ड्राइवर की मदद से काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। ये देखिए इसके सभी पैच लग चुके हैं। इसके बाद स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। दोस्तों जो हीरो होंडा ग्लैमर बाइक के एयर फिल्टर की क्लीनिंग की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।